यहाँ पे पार्टीशन लगेगा, उस दीवार पे म्यूरल बनेगा और ये सारा फर्नीचर चेंज होने वाला है। ओके क्या ओके? किसके कहने पर ये सब कर रही हो तुम? हाँ नाराज क्यों हो रही हो बबीता जी, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। एक मिनट, क्या हो रहा है अभिषेका? अच्छा हुआ तुम आ गए विराट, वो क्या है? बकवास बंद करो अपनी, वैसे भी प्रेग्नेंट हो ना, घर जाके आराम करो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बकवास नहीं कर रही, बस अपना काम कर रही। एक्चुअली क्या है ना, मुझे हायर किया गया है इस घर को रीडिजाइन करने के लिए। किसने? इस घर की मालकिन ने। लगता है ये प्रेग्नेंट औरत पागल हो गई है। इशिका हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, प्लीज आप जाइए यहाँ से। देखिए सर, मैं सिर्फ तभी यहाँ से जाऊंगी जब वो इंसान मुझे जाने के लिए कहेगा जिसने मुझे यहाँ पे भेजा है, इन शॉर्ट इस घर की नई मालकिन। देखा, मैंने कहा था ना ये औरत पागल हो गई है। अरे इस घर की नई मालकिन निम्मी है और वो सो रही है, और उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें ना काम पे कभी भी नहीं रखेगी, समझे? ओह रियली? क्योंकि आप जिस घर में खड़ी है ना उसे भी डिजाइन मैंने ही किया है, और अगर आप जोक मारने की कोशिश कर रही थी तो आई हैव समथिंग इवन फनियर, और वो है आप लोगों की गलतफहमी। क्योंकि निम्मी इस घर की ओनर थी, अब नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, आई थिंक नई ओनर को बुलाना ही पड़ेगा। ओके नो प्रॉब्लम, मैं मिलवाती हूँ आपको उससे। एक्सक्यूज मी, पर इस बार ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस बार मैं इस घर की बहू बन के नहीं, इस घर की ओनर बन के आई। सर अरे अरे अमृता, संभालो अपने पति को, वरना इस घर की ओनर पे हाथ उठाने के जुर्म में मैं इसे जेल भी भिजवा सकती हूँ। इनफैक्ट आप सभी को, क्योंकि जिस घर में आप खड़े हैं ना वो लीगली मेरा घर है।